हिंदी मीडियम के बेस्ट प्लेटफॉर्म डॉटनेट पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई कैसी चल रही है जरूर बताओ, और आज आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, सारे बच्चों को मैसेज कर दो। सबसे बड़ी बात कि आपने पढ़ाई स्टार्ट किया है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहां से आपने अगर स्टार्ट किया हो पढ़ाई ट्वेल्थ का, तो आपका ट्वेल्थ बेहतर जाएगा ही जाएगा। रोज रहना जरूरी है, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं तो फिर मुश्किल होना ही होना है। दूसरी बात, आपको एक अच्छी पढ़ाई मिल रही है YouTube पर साथ में अपने सपनों को हासिल करने के लिए आपको हमारे साथ और भी तरीकों से जुड़ना चाहिए। आज स्टार्ट हो रहा है हमारा हासिल बैच, हासिल करो अपने सपने। इस बैच की विशेषता यही होगी कि आज चालू हो रहा है ये यूपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले और सभी हिंदी मीडियम बोर्ड वाले बच्चों के लिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हासिल बैच। जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहते हैं और जिनको लगता है कि वो अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बैच स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद तो अपनी पढ़ाई चालू करना ही भाई, सोल्यूशन चल ही रहा है, तो सारे बच्चे ध्यान रखिए। इसमें हमारे इंडिया के, यानी कि हम कहते हैं बेस्ट हिंदी मीडियम टीचर हमारे पास अवेलेबल है, और सारे टीचर्स आपको बेहतरीन एजुकेशन देंगे, सारे सब्जेक्ट के साथ है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे टीचर आपको एक बेहतरीन पढ़ाई देने वाले हैं। इसके फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लेक्चर डिटेल लेक्चर होंगे, यानी एक एक टॉपिक पे, एक एक चैप्टर पे आपकी बढ़िया पढ़ाई होने वाली है। साथ में आपको वन शॉट लेक्चर्स मिलेंगे, वन शॉट रिविजन मिलेंगे, और टीचर्स के स्लाइड्स और सुपर 20 PDF और नोट्स मिलेंगे, जिससे आपके नोट्स बेहतरीन हो जाएंगे और इसके बेस पर आपके मार्क्स अच्छे होंगे और आप में समझ भी अच्छा आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। ये यहाँ पर समझने की बात है, और इसके बेस पर आप बेहतर नोट्स और एग्जाम को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की आप में क्षमता डेवलप होगी। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, बैकलॉग रिविजन्स होंगे आपकी, यानी कि अगर बैकलॉग लग गया, किसी दिन छूट गया कोई क्लास, या काफी समय तक बीमार रहे, या किसी कारण से छूट रहा है, तो वो ना हो इसके लिए हम आपको देंगे बैकलॉग रिविजन। साथ में वीकली इंटरेक्टिव सेशन होंगे, यानी कि सेमिनार होंगे, यानी आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो ये है बहुत ही बेहतर फीचर्स। साथ में हम बात करते हैं कि आप जानते हो कि 94.8, 94.4, 94.2, 97.2 इस तरह के परसेंटेज अभी बिहार बोर्ड वाले बच्चों ने दिए हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि ये तो कुछ ही बच्चों का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। सारे बच्चों को लाए तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा और इनको हम बता पाएंगे, ये थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए याद रखिए कि आप सब हमारे बैच के साथ जुड़ेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, रेगुलर जुड़ सकेंगे, बेहतर तरह से जुड़ सकेंगे, इधर उधर का कोई सोशल मीडिया का जो एक होता है ना मिर्ची का, उस आप हमसे एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 01247158250 पर। और एक बड़ी बात, नीचे अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, हमने चैट में लिंक दिया है, और हमने कमेंट्स में भी लिंक दिया है, तो किसी भी जगह से आप लिंक पर जा करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यानी अगर आज आप फॉर्म भी फिल कर देते हैं और आज नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं, तो आज फॉर्म फिल करेंगे तो कल तक भी एडमिशन आपको मिल जाएगा कि हमने ये फॉर्म कल ही फिल किया था। तो जैसा भी चाहें, आप एक बार ये कूपन कोड लगा करके ये छूट ले सकते हैं और पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं, हासिल बैच बेहतरीन पढ़ाई के साथ। और आज हम बताएंगे आपको सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में आज पढ़ने वाले हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन, अनुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये पढ़ेंगे आज विलयन में। तो आज आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अनुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात है कि अगर आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन को समझना है तो आपको राउल्ट के नियम को समझना पड़ेगा। मतलब राउल्ट का नियम क्या है इसको जानना है, तो मैं सबसे पहले आपको राउल्ट का नियम पढ़ाने वाला हूं। दूसरी बात है, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या है, धनात्मक विलयन, ऋणात्मक विचरण, धनात्मक और ऋणात्मक विचरण वाला अनादर्श विलयन क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इनसे संबंधित बातें हम आगे पढ़ते जाएंगे। देख लेते हैं आज कितनी बातें हो सकती है, अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए आप सब,
एक और बात बोलना चाहूंगा, 2024 में जो बच्चे एग्जाम दिलाना चाहते हैं नीट का, जेई का, उनके लिए मैं जबरदस्त कोर्स लेके आ रहा हूं, आप इसके लिए तैयार रहें, कल जरूर रहिएगा आप लोग, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आज बेटा राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट के नियम में जाने से पहले एक शब्द पे ध्यान दें, वो है वाष्पदाब। क्या? वाष्पदाब, क्योंकि राउल्ट के नियम में वाष्पदाब जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, ये क्या है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी, किसी बच्चे को पता होना तो जरूर करें। एक बात और बोलना चाहूंगा, हर वो बच्चा जो पढ़ाई में ध्यान दे रहा है वो एक काम तो जरूर कर रहा होगा, हां कि ना जरूर बताइए मुझे, बताएंगे? एक काम जरूर कर रहा होगा कि मैंने पिछले क्लास में आपको कहा था कि आप क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ के आइए, जो कहां पे है, हमारा यूट्यूब चैनल विक्रम हैप केमिस्ट्री यानी विक्रम सिंह चैनल पर अवेलेबल है, उनको पढ़ के आइए। कितने बच्चे हैं ये करके आए हैं, जो मैं कहूंगा मेरी बातों को जो बच्चा सुन के आ रहा होगा वो सक्सेस होगा, क्योंकि जब आप सुन के आओगे इस चीजों को पढ़, मैं जो कहूंगा उसको सुनोगे, जो पढ़ोगे उनको अगर जब पढ़ के आ जाओगे ना, तो यहां पर जब खड़े हो जाओगे यानी कि लाइव क्लास में आओगे, तो आप एकदम जबरदस्त स्टूडेंट बन जाओगे भाई साहब। तो चलिए बताइए कितने बच्चे हैं जो इस लेक्चर को पढ़ के आए। आज फिर एक और चीज जोड़ रहा हूं, लेक्चर नंबर 5 भी अब नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना है, भरोसा करता हूं मैं आप पे, विश्वास करता हूं मैं आप पे, और यह विश्वास आपका खुद का आत्मविश्वास बनने वाला है आपके सक्सेस के लिए। और आज जो पढ़ाऊंगा ना एकदम समझ में आएगा। चलो ठीक है, लाइव में आता हूं बेटा, वो तो पढ़ाई है, लाइव में आता हूं, मेरे से मिलते हैं, मेरा दिल आपके लिए धड़कता है, आपकी धड़कन मेरे धड़कन से मिलती है, आपकी सांसें मेरे सांसें से मिलती हैं, ये है लाइफ। लेकिन पढ़ाई, ये रिकॉर्डेड वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं, वो आपको बेहतरीन बनाएगा, सुपर बनाएगा, ध्यान रखेंगे ये बात। तो इसीलिए बोल रहा हूं, ये जो मैं कहता हूं ना इसको आप किया करो। चलो अब आगे पढ़ाई की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चे जो बोलते हैं बार बार कि मैं, मेरे को समझ में नहीं आता है, उसका रीजन ये है कि वो पढ़ते ही नहीं है ना, तो यही पढ़ के आओ तो आपको समझ में आएगा। कॉपी और पेन लेकर के लिखते जाओ, और मैं जो बोलते जाऊंगा दोहराते जाऊंगा उसको दोहराते जाओ। चलिए सबसे पहला शब्द है वाष्पदाब, इसको थोड़ा सा समझ लो, वाष्पदाब है क्या चीज थोड़ा सा समझ लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। इसको जरूर नोट करिएगा अपनी कॉपी में, वाष्पदाब है क्या, वाष्पदाब है क्या। एक बार बताओ कि कोई किसी भी द्रव, एक कांच का बोतल लिया हमने और इसमें मैंने एक द्रव रख दिया, द्रव लिक्विड, और लिक्विड में मैंने रखा चलो पानी, पानी। दूसरा मैंने इसी तरह से एक बोतल दूसरा लिया, दूसरा लिया मैंने, इसमें मैंने दूसरा कोई द्रव रखा, चलो पेट्रोल रख दिया, ठीक कुछ तो रखना है, पेट्रोल रख दिया, अल्कोहल रख दिया, कोई दूसरा लिक्विड रख दिया मैंने, इनके मैंने ढक्कन बंद कर दिए इस तरह से, मैंने इनको घंटे भर के लिए छोड़ दिया अपने रूम टेम्परेचर पर एक ही जगह पे। बताओ जब मैं इसके ढक्कन को थोड़ा सा लूज करता हूं तो क्या होता है, क्या होता है पता है ना, क्या होता है, फिस करके साउंड आती, कुछ गैस निकला हुआ नजर आता है, कुछ गैस निकल रहा है। या आप इसके प्रयोग को थोड़ी दूसरे तरह से भी कर सकते हो, चाहो तो एक इसमें एक काम करो, इसमें आप ऐसे एक लंबी सी पाइप लगा दो, सीधे कांच की लंबी सी पाइप लगा दो नीचे तक डुबा करके, ऐसे लंबे से डुबा करके एक पाइप लगा दो ऐसे, बताओ क्या होगा। यह होगा कि इसका जो द्रव है पानी जो है, आप देखोगे एक निश्चित दूरी तक चढ़ने लगेगा और एक जगह पे स्थिर हो जाएगा,
एक निश्चित हाई तक चढ़ने के बाद स्थिर हो जाएगा, और क्या पेट्रोल में उससे ज्यादा हाइट तक पहुंचेगा, यहां तक मान लेते हैं, चलिए अपने चित्रों में यहां तक मान लेते हैं, पानी में इतने दूरी तक और पेट्रोल में ऊपर तक। क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला आपको कि ये क्यों चढ़ा? इसलिए कि पानी अपनी सतह से कुछ अणुओं को रिलीज करती है, यानी कि वाष्प में परिवर्तित होती है, वाष्प बनाता है ये पेट्रोल यानी द्रव, ये भी वाष्प बनाता है। वाष्प क्या है? एक प्रकार का द्रव का गैस है। कई बार पूछते भी हैं, जानते क्वेश्चन में भी आते हैं कि वाष्प और गैस में क्या अंतर है, तो मैं इनके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, अभी हड़बड़ाइए मत। पहले वाष्प बनता है यानी गैस बनता है। तो इस जगह पर क्या होता है कि पानी एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा में वाष्प बनाता है, और वैसे पेट्रोल भी वाष्प बना रहा है। वाष्प है यानी कि गैस है, तो गैस का अपना एक दाब होता है, यह दाब चारों दिशाओं में पात्र की दीवार पर भी पड़ रहा है और पड़ रहा है इस द्रव के सतह पर भी पड़ रहा है। तो ये चीज आप समझ लो कि इस तरह से, और चूंकि ये दाब पड़ रहा है, अंदर में एक दाब लग रही है, इसलिए इस द्रव को एक धक्का लगाता है और यह द्रव ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक है, मतलब ये समझो कि पानी ने वाष्प बनाया और वाष्प का अपना एक दाब, दाब की वजह से ये यहां पर चढ़ गया। तो अंदर वाष्प का एक दाब लगता है, इस दाब को कहेंगे वाष्प दाब। इसको परिभाषित करके बताऊंगा क्या मिलेगा आपको, यहां पर एक दाब मिलेगा उसको वाष्प दाब। अगर आपने इस जगह पर दाब मापी लगा दिए, इस जगह पर दाब मापी लगा दिए, तो देखेंगे कुछ समय बाद ये जो सुई है एक निश्चित दूरी चलने के बाद जो है अब रुक जाएगा। इसका वाष्प दाब P1, इसका वाष्प दाब P2। अब ये तो समझाने वाली बात हो गई भाई, ये तो समझाने वाली बात होगी। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है, सिंपल बातें, द्रव कोई भी द्रव अपनी सतह से अणुओं को मुक्त करती रहती हैं, जिससे वो गैस में परिवर्तित हो जाती है, यानी कोई द्रव अपनी सतह से वाष्प मुक्त करते रहती हैं, जिसके कारण वहां पर जो दाब उत्पन्न होता है उसे वाष्प दाब कहेंगे। अब मैं इसको परिभाषित करूं सिंपल भाषा में तो कहूंगा किसी द्रव के द्वारा, लिख लो कॉपी में, किसी द्रव के द्वारा अपनी सतह पर, लिख लो बेटा लिख लो, अपनी सतह पर वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब उत्पन्न करता है जो दाब लगाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। सिंपल है परिभाषा, स्थिर ताप पर, क्योंकि तापमान में परिवर्तन होने पर क्या होगा, स्थिर ताप पर, ये बातें लिख रहा। तो द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाएगा, ये जो द्रव है वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाएगा, इस दाब को वाष्प दाब कहेंगे। यानी कि अगर ये पात्र बंद है तो एक तरह से वाष्प के द्वारा और द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने के लिए लगाया गया दाब एक सम्य अवस्था में आएगा, इस दाब को हम वाष्प दाब कहेंगे। सिंपल परिभाषा मैं आपको दे रहा हूं, आसान परिभाषा दे रहा हूं, आप समझ लो आप, ठीक है। गौतम कुमार पढ़ाई में ध्यान दो बेटा, बहुत जरूरी है। गौतम, ऋषु, ये सब ध्यान दो क्योंकि पढ़ाई आज मिलेगा बेटा। देखो भाई, मैं हमेशा एक बात हमेशा हर स्टूडेंट को बोलता हूं, अपने बच्चों को भी एक लाइन बोलता हूं, समय से पहले, एग्जाम से पहले, समय रहते अगर आप मुझसे बोलोगे सर मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, मुझे ये नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसको समझ नहीं पा रहा हूं, इसको समझाइए, उसको समझाइए, तो मैं साथ दूंगा। एग्जाम हो गया, पेपर आपने दिला लिया, एग्जाम दिला लिया, उसके बाद आके बोल दो सर मेरा पेपर बिगड़ गया, तो मैं मेरे हाथ में बोल देता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो करना था आप एग्जाम से पहले बात करो,
समय से पहले बात करो। एक बच्चा बोलता है कि एग्जाम 3 दिन बचा हुआ, बोले सर मुझे सॉल्यूशन पढ़ा दीजिए, विलियन पढ़ा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यार तुम एग्जाम के टाइम पे सॉल्यूशन पढ़ने आए हो, एग्जाम के टाइम आप अब भी, आपको तो पूरा फुल रिवीजन करना चाहिए, घर में बैठ के एक तपस्या में बैठना चाहिए था, और आज तुम ये सोच रहे हो कि एग्जाम से पहले ये चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है, ये टॉपिक समझ में नहीं है, वो टॉपिक समझ में नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है ना कई बच्चों में होता है, वो गलती मत करो बेटा। आप लोग समझदार बच्चे हो, सीख लो, आज वक्त है, आपके पास पूरा समय है 12th को बेहतर बनाने का। समय निकल गया, कुछ नहीं होगा। वाचपद आप क्लियर हुआ? अगर वाचपद आप क्लियर हो गया तो बात बन गई। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने के लिए, यानी कि जब द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित होते हैं तो उसका वाष्प का एक दाब उत्पन्न होता है, इसको वाष्पद आप कहते हैं। अब यहां पर एक मजेदार बात बताता हूं, इस पर प्रभाव किसका पड़ता है? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है बेटा? ताप का प्रभाव क्या पड़ता है जरा समझें। ताप बढ़ाने पर वाष्पदाब बढ़ता है, वाष्पदाब बढ़ता है। दूसरा, अवाष्पशील लवण या विलेय मिलाने पर वाष्पदाब घटता है। यानी नमक में यदि आपने, पानी में यदि नमक मिला दिए तो जितना वाष्पदाब है उससे कम हो जाएगा वाष्पदाब। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने? ताप बढ़ाओगे, गर्म करोगे तो इसका वाष्पदाब ज्यादा होगा, वाष्प ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर आपने नमक मिलाया तो वाष्पदाब कम हो जाएगा। आसान परिभाषाएं आपके सामने। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है विक्रम सर, ऐसे ऐसे लिखना ना आप लोग, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, इसको ज्वाइन करो। इसका लिंक ऊपर दिया गया है, उस पर आप जाकर के इनको ज्वाइन करो, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो। चलिए साहब, हां तो आप देख लीजिए कि वाष्पदाब क्या है, क्लियर हो गया। और किस किस से प्रभावित होता है? ताप से और अवाष्पशील या वाष्पशील विलेय मिलाने पर। विलेय मिला, अवाष्पशील विलेय मिला है, नमक मिला है, पोटेशियम क्लोराइड मिला है, यानी सॉल्ट मिला है जो वाष्पित नहीं होते हैं, तो वाष्पदाब घटेगा। वाष्पशील विलेय मिला दिए, पानी में हमने शक्कर नहीं मिला करके, नमक नहीं मिला करके, हमने अल्कोहल मिला दिया, वाष्पदाब बढ़ जाएगा। वाष्पशील विलेय मिलाओगे तो वाष्पदाब बढ़ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस है, छोटी छोटी बातें। टेलीग्राम पर आपका, टेलीग्राम मेरा नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम सुनो, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, विक्रम हैप केमिस्ट्री नहीं है। अगर किसी दूसरे का, अगर आपने वो, किसी ने, किसी बंदे ने विक्रम हैप केमिस्ट्री करके वो कर दिया, वो फ्रॉड है। विक्रम सर हैप केमिस्ट्री ध्यान दीजिएगा, ये मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल मेरा ऑफिशियल, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल है, इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए साहब, एक बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं आपको, वाष्पदाब से संबंधित राउल्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही है बेटा, क्योंकि राउल्ट का नियम जानोगे तभी हम आदर्श विलेन जान पाएंगे। राउल्ट का नियम क्या कहता है? बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहा हूं, एकदम सिंपल सी बात। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। यहां पर आप समझो पी ए, ए मतलब विलायक, विलायक का पी मतलब वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब। एक्स ए ये क्या चीज है? एक्स मतलब मोल प्रभाज, पढ़े हो ना भाई? हां, एक्स ए विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। चलिए, तो विलायक का मोल प्रभाज हो गया, तो विलायक का वाष्पदाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी विलयन में
किसी घटक का मोल प्रभाज उसके किसी घटक का वाष्पदाब उसके मोल प्रभाज। जब अगर मैं बोलता हूं यहां पे अगर मैं पीबी कहता हूं पीबी समानुपाती एक्सबी, ये भी चलेगा क्योंकि विलयन में विलेय का मोल वाष्पदाब विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। बिल्कुल आसान सी परिभाषा। क्या परिभाषा है? किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब के बराबर होता है। अब यहां पर तो बातें हो गई कि विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब के बराबर होता है, विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब बराबर होता है, विलयन के वाष्पदाब को हम पी से दर्शा रहे हैं, लेकिन उसके बाद की कहानी महत्वपूर्ण है। विलायक का वाष्पदाब पी ए विलायक के मोल प्रभाज एक्स ए के समानुपाती होता है। यह महत्वपूर्ण लाइनें हैं आपके लिए। तो अगर इसको मैं थोड़े से सरल रूप में लिखूं तो पी ए समानुपात चिन्ह हटाऊंगा तो बराबर आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक्स ए आएगा। ये समीकरण एक मान लेते हैं। इस टाइम पर अगर ये विलायक शुद्ध विलायक, मैंने विलयन नहीं लिया भाई साहब, विलयन नहीं लिया, विलयन की जगह मैं शुद्ध विलायक पे देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? शुद्ध शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए होगा पी ए को मैं शुद्ध विलायक पी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब पी नॉट ए से दर्शाऊंगा और शुद्ध विलायक है मतलब उसका मोल प्रभाज एक होगा। किसी भी विलयन का कुल मोल प्रभाज एक होता है और शुद्ध विलायक बोल रहा हूं तो उसमें विलेय है ही नहीं है, तो विलेय नहीं है तो विलेय का मोल प्रभाज शून्य हुआ तो विलायक का मोल प्रभाज एक होगा। तो ये एक हो गया। अब इसको यहां पर रख दो। तब हमने समीकरण एक यूज किया तो उसमें हमने रखा पी ए का मान क्या हुआ, पी नॉट ए इज इक्वल टू के और एक्स ए की वैल्यू वन, तो हमारे पास हो गया पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स के। अब के का मान हमें मिल चुका है तो हम रख सकते हैं के का मान, लिखो बेटा कॉपी में, के का मान समीकरण एक में रखने पर एक में रख दो के का मान क्या होगा, के का मान होगा पी नॉट ए के बराबर। इस प्रकार से हो गया पी ए इज इक्वल टू के का मान हो गया पी नॉट ए एक्स ए। समीकरण आपके लिए मिल चुका है, यही है रोल्ड का नियम, समीकरण दो। इसी प्रकार क्या होगा, घटक अगर मैं दूसरा लेता हूं सिर्फ विलायक को लेकर चल रहा है तो इसी प्रकार पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। काफी आसान सी बातें हैं, ये समीकरण हो गया हमारा तीन। यही है रोल्ड का नियम। और रोल्ड के नियम के लिए हमारे पास ग्राफ क्या होगा हम बात करते हैं। चलो ये हो गया। इससे आपने क्या समझा, इससे आपने क्या सीखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इस पे बात करते हैं। चलिए क्लास को लाइक भी करें, लाइक होता है गुरु दक्षिणा कर दें। चलिए साहब, इसमें बताना चाहूंगा कि ये राउल्ट का नियम आपने देखा कि राउल्ट का नियम कहता है कि पी ए समानुपाती एक्स ए और हमने इसको लिखा पी ए पी नॉट ए एक्स ए, और इसी तरह से पी बी समानुपाती एक्स बी, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी होगा। ये दो फॉर्मूले। अब इसके लिए ग्राफ के बारे में बात करता हूं जो इस नियम को प्रदर्शित करता हो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है। तो चलिए बात करते हैं। कॉपी में लिख रहा हूं ना सबके सब, सर फ्यूचर डॉक्टर जानू सर, किस चीज का क्लास चल रही है बेटा, आपकी पढ़ाई का चल रहा है, फ्यूचर डॉक्टर हो ना, आपके डॉक्टर बनने के लिए हम मेहनत करा रहे हैं। चलिए देखें, एक ग्राफ में हम एक्स में सॉरी ये एक्स एक्सिस में हम देख रहे हैं एक्स का परिवर्तन यानी कि मोल प्रभाज का,
मोल प्रभाज मोल अंश कहलाता है, वाष्पद आपका एक्स ए यहां पर देखिए इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो घटक ए का मोल प्रभाज एक है, मतलब यहां पर विलायक शुद्ध है। क्या होगा यहां पर विलायक? शुद्ध विलायक है। विलायक कैसा है? शुद्ध है। यहां पर एक्स ए इज इक्वल टू जीरो, यहां पर विलायक ही नहीं है, जीरो है विलायक। यहां पर बी एक्स बी जीरो है, मतलब विलय नहीं है, धीरे 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 विलय बढ़ते जाएगा और एक्स बी आ जाएगा वन, यहां पर विलय शुद्ध है। शुद्ध विलायक के लिए वाष्पदाब सर्वाधिक होगा पी नॉट ए, ये वाष्पदाब को दर्शा रहा है पी नॉट ए यहां पे। जैसे जैसे आप इसमें विलय मिलाते जाओगे वैसे वैसे उसका वाष्पदाब घटते जाएगा। जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे विलायक की सांद्रता कम होती जाएगी, विलय की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो विलायक की सांद्रता कम होने से क्या हुआ? वाष्प इधर जाते जाओगे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ग्राफ क्या होने वाला है? ऐसे जाने वाला है। वाष्पदाब मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। मोल प्रभाज सर्वाधिक है, वाष्पदाब सर्वाधिक है। मोल प्रभाज बिल्कुल जीरो है, वाष्पदाब जीरो है। ग्राफ तो समझ में आता है ना? ग्राफ समझाने का काम मेरा केमिस्ट्री वालों का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। तो इस तरह से ये वाष्पदाब मोल ऐसे चल नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूं भैया। ये देखो पी ए समानुपाती एक्स ए, इसका मतलब क्या है? चलो देखिए, मैं ये कह रहा हूं यहां पे कि यहां पर एक्स ए का मान, देखो एक्स ए का मान कम है वन है, फिर इससे ज्यादा होगा एक्स बी का मान, फिर इससे ज्यादा होगा एक्स ए टू एक्स ए थ्री। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो पी वन पी टू यानी कि मूल प्रभाज का मान क्या हो रहा है यहां पर जरा समझेंगे। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मूल प्रभाज बढ़ते जा रहा है, मूल प्रभाज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मूल प्रभाज बढ़ते गया, वाष्पदाब बढ़ते गया पी टू थ्री। क्या हुआ बताओ? तो एक्स वन के लिए वाष्पदाब ये है, ये पॉइंट यहां पर कट रहा है, ये यहां से है तो ये यहां पर कट रहा है और ये इतने में ये वाष्पदाब। क्या हुआ? ग्राफ ऐसे गया ना, मतलब देखो अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, घटेगा तो ये भी घटेगा, तो यहां पर ये घट रहा है। लेकिन पी पी यहां पर पी बी की बात करता हूं, ये यहां पर हमने घटक ए लिया, यहां पर घटक बी ले रहे हैं, घटक बी की शुद्ध है तो घटक बी जैसे जैसे यहां पर घटक बी के मान कम है यानी विलय का मान कम है, लेकिन जैसे जैसे हम मोल प्रभाज बढ़ा रहे हैं पी का यानी उसकी सांद्रता बढ़ा रहे हैं उसका वाष्पदाब बढ़ते जाएगा। वाष्पदाब इसका पी नॉट बी हो गया शुद्ध अवस्था में ज्यादा। तो इस तरह से ये वाला भाग बढ़ने लगा। ग्राफ बना लो बेटा, ग्राफ बना लो, नहीं समझ में आएगा वीडियो दोबारा देख लेना। इस तरह से ये ग्राफ जो है वो क्या है? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए को दर्शा रहा है और ये दर्शा रहा है पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी को दर्शा रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, पी ए और पी बी को जोड़ दूं, तो मेरा ये पॉइंट कहां मिल जाएगा? इतना प्लस इतना यानी कि ग्राफ कहां पे जाएगा, मतलब इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हूं तो ग्राफ के अनुसार ये हो जाएगा विलयन का वाष्पदाब। ये दोनों लाइन मिल जाएगा ये पॉइंट्स, तो यहां पर होगा विलयन का वाष्पदाब विलायक के किसके विलायक के वाष्पदाब और विलय के वाष्पदाब का योगफल होगा। ये ग्राफ आप नोट करें। चलो ठीक है, एक मिनट क्या नीचे करो थोड़ा सा। हाँ सर, क्या आप पूरा सिलेबस YouTube पे करवाएंगे क्या? आपने प्रियंका, शायद नाम है प्रियंका, नाम है ना, क्या नाम है? प्रियांशु, क्या पूरा क्लास YouTube पर कराएंगे? एक बात बताऊं, YouTube ओपन करके देखिए क्या पूरा क्लास है कि नहीं है, चेक करिए।
आज की क्लास आपको मिल रही है, आपको मैंने कहा कि लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ के आना है, क्यों बीच से स्टार्ट करते हैं बेटा? कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर बीच से क्यों स्टार्ट करते हो? 8 बजे मेरा क्लास चालू होता है, 8 बजे से आप बैठिए, 9 बजे तक चलेगा, 8:30-9 बजे तक जो भी चलेगा, आप तब तक रहिए। आप क्यों 8 बजे चालू होता है, 8:15 में आते हो और उस टाइम जब लाइव चल रहा था उसमें घुसते हो? अरे थोड़ा सा पीछे कर लो कर्सर, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, वीडियो आगे निकल गई तो थोड़ा पीछे हो जाओ, वहां से पढ़ना शुरू करो, सीखोगे यार। कौन समझाएगा यार आपको, कौन समझाएगा आपको? समझना आपको खुद को है, हम तो बता रहे हैं क्या करना है। नहीं समझोगे मैं क्या कर सकता हूं, तो चलिए तभी तो आप कर पाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है ग्राफ, आप नोट कर लीजिएगा, जो जो मैंने पढ़ाया आप एक बार देख लीजिएगा, और इसका कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। यह ग्राफ हुआ। कुछ प्रश्न का जवाब दे दो ताकि मैं अगले टॉपिक की तरफ जा सकूं। यहां पर एक मिनट रुकिए, दो एक लाइनें मैं लिख देता हूं और हाँ जी चलिए। प्रश्न है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब ए, बताना क्या आएगा? ए है विलायक के वाष्पदाब से अधिक होता है, विलायक के वाष्पदाब से कम होता है, विलायक के वाष्पदाब के बराबर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था इस चीज को, कितना बच्चा इसको जवाब दे पाएंगे, कितने बच्चे इसके जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं देखना चाहता हूं। इतने सारे बच्चे हो, ध्यान रखो बेटा, जल्दी जवाब दो। आगे जाकर कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो एक दो क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, फिर उसके बाद फिर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में बात करूंगा। आपको वाष्पदाब क्लियर हो गए, बहुत बड़ी बात है, फिर उसके बाद की पढ़ाई आगे बढ़ेगी। हो गया, चलो आप सबने जवाब दिया, बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन मिलाने पर क्या होता है? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन मिलाने पर होता यह है, विलायक के वाष्पदाब से कम हो जाता है विलयन का वाष्पदाब। यस, वाष्पदाब कम हो जाता है, आपने बोला अवाष्पशील विलेय मिलाने पर कम हो जाता है, आपने देखा था। अब अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, जब किसी पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो विलायक का वाष्पदाब कम हो जाता है, इसमें क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है, हिमांक बढ़ जाता है, उपरोक्त से कोई नहीं। चलो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई बच्चा आप बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा, इसका जवाब क्या देते हैं। इन सारी चीजों को आगे जाके पूरी गहराई में पढ़ाई करेंगे हम लोग। याद रखना, कोई भी एमसीक्यूज याद करके काम नहीं चलता है, उसके नियमों को गहराई से समझना पड़ता है, या आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो जवाब मिल जाएगा। चलो इसका जवाब क्या है, किसी पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो उसका वाष्पदाब कम हो जाता है, वाष्पदाब कम हो गया, वाष्पदाब घट गया, अब उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या हिमांक बढ़ जाएगा। होता यह है, जब उसका वाष्पदाब कम हो गया तो उसे उबालने के लिए हमें ज्यादा गर्म करना पड़ता है, यानी क्वथनांक बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा, वेरी गुड, 49% बच्चों ने राइट आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। आदर्श विलयन, अभी हमने पढ़ा राउल्ट का नियम, अब जवाब दे सकते हैं कि आदर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन क्या है? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी ऐसा विलयन जिनको बनाने पर वह राउल्ट के नियम का पालन करता हो, सीधी सी बात, ऐसा विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन करता हो, किसी भी सांद्रता पर
किसी भी ताप पर। तो ऐसे विलियन को आदर्श विलियन कहेंगे, क्योंकि विलियन के वाष्पदाब के लिए राउल्ट का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि जब विलियन बनाया जा रहा हो तो आयतन में परिवर्तन ना हो रहा हो और एंथैल्पी भी परिवर्तित ना हो रहा हो, तो ऐसे विलियन को हम आदर्श विलियन कहेंगे। क्या बोला मैंने, आपने ध्यान से सुना होगा, वे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ध्यान से सुनिएगा, वे विलियन जो ताप एवं सांद्रता की संपूर्ण परास में, यानी कि किसी भी ताप पर या किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, तथा जिनको बनाने पर उसके एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या है, आदर्श विलयन की विशेषताएं क्या है? पहला, राउल्ट का नियम का पालन करता है। मतलब पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। दूसरी बात है, इसको बनाया जाता है तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू जीरो। यानी जब इसको बनाया जाता है तो विलयन न गर्म होगा न ठंडा होगा। कई बार ऐसा देखे होगे आपने कि पानी में वॉशिंग पाउडर घोलते हो तो विलयन बनता है तो गर्म हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखे हो कि यूरिया घोल पानी में, या फिर आपने ग्लूकोज घोलते हैं पानी में तो वो ठंडा हो जाता है। ये अनादर्श विलयन है, आदर्श विलयन नहीं है। लेकिन नमक पानी में घोल रहे हो उस कंडीशन में, या तो जब वो परिवर्तन ना करे टेम्परेचर में, तो वो कैसा विलयन है? आदर्श विलयन है। तीसरी बात है डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी ये जीरो है, यानी ये मतलब होता है कि जब आपने घटक ए और घटक बी दोनों मिलाए तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं आपको समझाता हूं, घटक ए का आयतन है वी ए, घटक बी का आयतन है वी बी, और इसको जोड़ने पर जो आयतन मिल रहा है वो ए बी मिल रहा है। मान लेते हैं मेरे पास एक घटक है, इसका आयतन है 300 ml है, घटक बी जो है 100 ml है, ml है। अगर इसका मतलब यह हुआ कि विलयन को जो आयतन होगा वो कितना होगा, 400 ml होना चाहिए। यस, विलयन का जो आयतन है वो कितना होना चाहिए, 400 ml होना चाहिए। वही बात अगर हमने प्रैक्टिकली जब देखा कि घटक ए है मतलब पानी विलायक और विलय का आयतन को हमने जोड़ा तो इतना होना चाहिए, जब हमने विलयन बनाया तो रियल में आयतन उतने ही आया, 400 ml ही आया, तो वो आदर्श विलयन है। अगर वो 400 ना आकर के 400 से थोड़ा कम या 400 से थोड़ा ज्यादा आ जाए तो वो आदर्श विलयन नहीं है। ये छोटी सी बात को पकड़ लीजिए आप, समझिए। तो चलते हैं, आदर्श विलयन क्या हुआ, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन का उदाहरण क्या है, देखो, विलायक और विलेय की आणविक संरचनाएं, अणुभार आदि लगभग, या आणविक उसकी क्या बोलते हैं, बाकी सारे गुण की बात करूंगा, जितने भी गुण होते लगभग एक जैसा हो, डायलेक्ट्रिक स्थिरांक है उसमें, उनकी आणविक संरचनाएं हैं लगभग एक जैसी है, तो वो जहां तक हो सके वो आदर्श विलयन बनाता है। वैसे याद रखना 100% आदर्श विलयन कभी कोई नहीं होता है, लेकिन ठीक है चलो, एक समान संरचना वाला, जैसे मैं यहां पर बताता हूं, बेंजीन और टॉल्युइन का एक मिश्रण है, विलयन है। बेंजीन की संरचना तो यह है जैसा कि आप जानते हो, और टॉल्युइन की संरचना यह है, इन दोनों ही द्रव है, दोनों ही पदार्थ द्रव है, दोनों को अगर मिलाया जाए तो क्या मिलेगा, एक साथ एक आदर्श विलयन मिलेगा। इसी तरह से एनहेक्सेन एनहेप्टेन एक आदर्श विलयन बनाएगा, इथिल ब्रोमाइड एथिल क्लोराइड एक आदर्श विलयन बनाएगा। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहां पर लिख दिया है, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे विक्रम सर हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल में, आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए, और
अपनी बातें वहां पे कह सकते हो। हम आपको बहुत सारी चीजें आपको कोर्स में दे रहे हैं और जो भी पढ़ाया जाएगा कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी मिलेंगे। अब तो बहुत कुछ काम होने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल में, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। अगर नहीं हुए हैं तो विक्रम सर हैप केमिस्ट्री हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऊपर में हमारा लिंक दिया गया, उसमें आपको PDF मिल जाएगा, हमारे वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे और हम समय समय पर कुछ वीडियोज को प्रमोट करते हैं, बताते रहते हैं कि ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो देखिए, आपको एक बढ़िया जानकारी आपको मिलता रहेगा। सो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वहां पे क्लिक करोगे हमारा वीडियो भी ओपन हो जाएगा। कल क्लास आएगा, कल की क्लास कौन सी आ रही है बस क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ओपन करके देखो, आपको यूट्यूब भी ओपन करना नहीं पड़ेगा, उनको क्लिक करोगे तो यूट्यूब अपने आप हमारे चैनल तक, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब खोलते हो तो एक प्रॉब्लम यह आती है कि आप देखने तो विक्रम सर की क्लास निकले हो, दिखता कुछ और है, तो आप वहीं भी भटक जाते हो। तो भटकाओ कभी भी सक्सेस नहीं देता है। तो आज मैंने राउल्ट के नियम तक पढ़ाया है और आदर्श विलेन तक पढ़ाया है। आदर्श विलेन अनादर्श विलेन की पूरी डिटेल जानकारी मैं अगले क्लास में दूंगा एग्जाम्पल के साथ। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को जो मैंने आज पढ़ाया उसको पढ़ाओ, मजा आ जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।